हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज बात करूंगा जियो फाइबर कनेक्शन स्कैम के बारे में। अभी हाल ही में एक शख्स के साथ ये स्कैम हो गया, जिसकी वजह से उसके बैंक के खाते से पैसे उड़ा दिए गए। और ये स्कैम कैसे हुआ, क्या क्या ये लोग करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो सारी चीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। प्लीज शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। अब आपको उससे पहले मैं ये चीज बता दूं कि ये स्कैम अभी से नहीं चल रहा है, जब से जियो फाइबर लॉन्च होने वाला था तभी से स्कैमर लोग एक्टिव हो गए थे। और वो लोग क्या करते थे कि एक मैसेज भेजते थे, ईमेल भेजते थे लोगों के पास, और उनको ये बताया जाता था कि जियो फाइबर कनेक्शन आप अगर लेना चाहते हैं तो दी गई लिंक पर आप जाइए और जैसा कहा जाता है वैसा आप करिए। कुछ ऑफर भी बता दिया जाता था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और जब लोग लिंक पर जाते थे वहाँ उनका डेटा भरवाया जाता था, उसके बाद कहा जाता था कि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन होता था उसके बाद उनके बैंक खाते से पैसे उड़ जाते थे। तो इस तरीके का स्कैम हुआ जब ये जियो फाइबर लॉन्च होने वाला था। अब क्या हुआ कि बीच में ये भी खबर आई कि बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लोगों ने कंप्लेन भी करी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाकर देख भी सकते हैं। लोगों ने बताया कि जियो फाइबर कनेक्शन लेने के लिए जब उन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया इंस्टॉलेशन एजेंट्स या सेल्स पर्सन से, तो उनसे ये कहा गया कि हाँ ठीक है, आपका आज ही लग जाएगा और आपको इसके लिए करीब 2500 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें 1500 सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती थी, 1000 इनका इंस्टॉलेशन चार्ज होता था जिसमें इनका रूटर और एक्सेसरीज होती थी। अब जो 1500 सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते थे उसके साथ ये भी कहते थे कि एक महीने का ट्रायल है, अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप फिर उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और आपका जो 1500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस हो जाएगा। तो बहुत से लोगों ने ये किया कि उनको पसंद नहीं आया तो वो एक हफ्ते के बाद यहाँ पे उन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया। फ़ोन करने की कोशिश की तो फ़ोन नहीं उठा, जब उठा तो उनको कहा गया ठीक है उनका जो कनेक्शन है डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चालाकी करी गई, लोगों ने ये बताया कि ये लोग ये नहीं बताते कि अगर 30 दिन से ज़्यादा आप बढ़ गए तो आपको पूरा पैसा रिफंड नहीं होगा, उसमें से सिर्फ आपको 500 रुपये मिलेगा। तो ये लोग ज़बरदस्ती का डिले करते हैं ताकि ये लोग आपको पूरा पैसा वापस ना कर सकें, यहाँ तक आपकी कॉल नहीं उठाते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वक्त से पहले भी डिसकंटिन्यू कर देते हैं, आप इनको रिपोर्ट भी कर देते हैं और ये सामान भी उठा लेते हैं, तब भी ऐसा होता है कि लोगों को रिफंड नहीं मिला। अब अगर ऐसी शिकायत आपकी भी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपका पैसा वापस आया कि नहीं, कि आपके साथ कोई खेला हो गया। तो ऐसा कस्टमर ने बताया कि इन लोग जानबूझकर डिले करते हैं ताकि इनको 1/3 पैसा देना पड़े और बाकी पैसा ये रख लें। तो ये सब चीज़ चल रहा था। अब क्या हुआ कि अब लोगों के पास इस तरीके का मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पर आ सकता है, ईमेल के थ्रू आ सकता है, या हो सकता है प्रमोशन के लिए कहीं लगाया जाए, एड्स के थ्रू लगाया जाए, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आप जियो फाइबर कनेक्शन डिस्काउंट रेट पे ले सकते हैं बहुत ही सस्ते दाम में। अब लोग जानते हैं कि भाई जो जियो फाइबर है उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो बहुत से लोग लेना भी चाहते हैं। जब उनको इस तरीके का मैसेज दिखेगा तो वो लोग का क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उनकी यही प्रतिक्रिया रहेगी कि भाई इसको ले लिया जाए। तो वो लोग इस तरीके का ऑफर लगाते हैं, इस तरीके से डिस्काउंट रेट पर दिखाते हैं, क्योंकि स्कैमर की यही सबसे बड़ी चाल होती है कि वो लोग सिर्फ सेल लगा देंगे या फिर बहुत डिस्काउंट रेट पे बहुत ही अच्छा सामान बेचेंगे। तो इसी तरीके से जियो फाइबर कनेक्शन में भी ये कर रहे हैं कि बताते हैं कि डिस्काउंट रेट पे आप ले लीजिए कनेक्शन, जल्दी करिए। तो जब लोग यहाँ पर जाकर इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसके बाद ये सुनने को मिलता है कि आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उस अप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स जाती है। अब वो फॉर्म भरने के बाद जब आप आगे इनसे कहते हैं कि अब क्या करना है, तो ये लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप पे एक APK फाइल भेज दी गई है। अब आपको मैं बता दूं कि APK फाइल बहुत ही रिस्की हो सकती है आपके लिए। तो ये फाइल व्हाट्सएप पे भेजी जाती है और फिर कहा जाता है कि इसको आप डाउनलोड कर लें। जहां आपने डाउनलोड कर लिया वो आपके फ़ोन पे इस तरीके से काम करेगी कि आपके फ़ोन के जितना भी डेटा है, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल है, आपकी बैंकिंग पासवर्ड है, ID है, सब उनके तक पहुंचा देती है। उसकी मदद से ये लोग बैंक खाता खाली कर देते हैं, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर देते हैं। इसी तरीके से उस शख्स के साथ हुआ जिसके बैंक अकाउंट से 5 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया गया। हो सकता है अब आपके पास भी इस तरीके का मैसेज आना शुरू कर दे, क्योंकि अभी ये जो फ्रॉड है हो रहा है, हो सकता है आगे बढ़ता चला जाए। जैसे कि बहुत से स्कैम चल रहे हैं, यूट्यूब स्कैम, बॉलीवुड रेटिंग स्कैम, तो ये सब स्कैम के साथ साथ ये भी स्कैम बढ़ने लगे। तो आप लोग सतर्क रहिएगा, अगर आपके पास ऐसे कोई लिंक आती है या ऐसा कोई ऐप डाउनलोड कराने के लिए कहा जाता है या फिर डिस्काउंट रेट पे आपको जियो फाइबर कनेक्शन दिया जाता है, तो आप इन लोग से कभी भी कॉन्टैक्ट मत करिएगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप
कंसेंट अथॉरिटी या ऑफिशियल अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करिए, ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी को मत करिएगा वरना आपके साथ फ्रॉड होगा। और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहते हैं वो तो हरगिज मत करिएगा वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, जैसे इस शख्स के साथ हुआ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि किस तरीका का स्कैम चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।